हाय फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो उसका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। जो सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि जेलम रिवर पासेस थ्रू उलरली। उलर एक लेक है, एक झील है जो कि जेलम रिवर इसको पास करता है। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं हमें से बताएंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट क्यों सही है ना, जेलम रिवर को स्टेटमेंट सही है कि नहीं, पहले कुछ जेलम रिवर के बारे में जानते हैं। जैसे जेलम रिवर को संस्कृत में बिकास्ता बोला जाता है, उसको बिकास्ता बोला जाता है संस्कृत में। और झेलम रिवर जो है इसका टोटल स्ट्रेंथ है, लेंथ है 725 किलोमीटर। और ये जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज इसका है वो है किसनगंगा। और ये सबसे पहले कश्मीर से साउथ ईस्ट पार्ट, कश्मीर के साउथ ईस्ट पार्ट में जो पीर पंजल है वहीं से इसका ओरिजिन है। फिर ये सबसे पहले श्रीनगर से उलरली, ये जो झेलम रिवर है ये सबसे पहले श्रीनगर के बाद से उलर लेक के बाद पाकिस्तान में एंटर करता है। मतलब श्रीनगर से उलर लेक को देखे वो पाकिस्तान में एंट्री करता है। इसका मतलब क्या हो गया, पास किया, झेलम रिवर पास करता है उलर लेक से। ओके, तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो गया। फिर आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। जो कृष्णा रिवर है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड जो ये जो एक्सट्रीम वार्ड है इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली फीड नहीं करती है। ये जो कोलेरू लेक है ये कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर के बीच में जो डेल्टा बनता है, वहीं से कृष्णा और गोदावरी के बीच में जो डेल्टा बनता है जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहीं ये कोलेरू लेक है और ये डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, ये है मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कुनवार लेक। ये कह रहा है कि मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर, जो मेंडरिंग मतलब जो रिवर होता है वो जब ऐसे फॉर्म करता है उसको मेंडरिंग बोलते हैं। तो इसी मेंडरिंग से वो लास्ट में पावर लेक बना हुआ है, ऐसे पूछ रहा है। मतलब हाँ, ये सच है कि जो गंडक रिवर है इसके मेंडरिंग से धीरे धीरे ये जब ऐसे ये जो मेंडरिंग बनता रहता है, फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, लेक। और इसको ऑक्सबो लेक भी बोलते हैं। और ऐसे ही ऑक्सबो लेक या फिर गंडक की मेंडरिंग से बना है हमारा कनवर लेक। तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट 3 भी सही हो जाता है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 और 3 सही हो जाते हैं, तो ओनली 2, ये दोनों सही है, तो हमारा आंसर बी होगा।